कर्नाटक के सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब जो है इस मुसीबत में उनकी मां भी फंस गई हैं। बताया जा रहा है कि उनकी मां जो है फरार चल रही है, जिसमें पुलिस का ये कहना है कि पुलिस उनके घर गई और शाम तक इंतजार किया, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना की मां सामने नहीं आई। इसे कयास लगाया जा रहा है कि प्रज्वल रेवन्ना की माँ भी इस मामले में कहीं ना कहीं शामिल थी और उसके बाद वो फिलहाल पुलिस से बचने के लिए फरार चल रही हैं। एसआईटी ने गुरुवार को भवानी रेवन्ना यानी कि प्रज्वल रेवन्ना की मां को नोटिस भेजकर 1 जून को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपने घर पर मौजूद रहने को कहा था। उनके बेटे और हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण और अपहरण के आरोपों से जुड़े मामले में उनसे पूछताछ की जरूरत थी। वहीं एसआईटी की गिरफ्त में चल रहे निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना अपने आप को इन सारे आरोपों से मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनको फंसाया गया है, उनको टारगेट किया गया है। प्रज्वल रेवन्ना शुक्रवार को जर्मनी से भारत लौटे थे, लेकिन उन्हें बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया था। उनके पिता एचडी रेवन्ना भी इस केस में फंसे हुए हैं। उन पर एक महिला का अपहरण करने और सैकड़ों महिलाओं का यौन शोषण करने का सनसनीखेज इल्जाम लगा है। कर्नाटक पुलिस की माने तो एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना दोनों खासकर उन महिलाओं और लड़कियों का यौन शोषण किया करते थे जो कि राजनीति में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हुआ करती थी, या फिर वो लड़कियां जो अपना काम लेकर के उनके पास जाया करती थी। ख़ास तौर से इन दो तरह की महिलाओं और लड़कियों का इन दोनों ने सबसे ज़्यादा यौन शोषण किया है। इन लड़कियों में से कुछ एक जिला पंचायत के मेंबर, पुलिसकर्मी और दूसरे कई सरकारी महकमों के कर्मचारी शामिल हैं। वो उनको अपनी हवस का शिकार बना लेते थे। रेवन्ना परिवार में रसोइये का काम करने वाली एक महिला ने खुलासा किया था कि एचडी रेवन्ना अपनी पत्नी के घर के बाहर चले जाने के बाद उन्हें स्टोर रूम में बुलाते थे, उनको गलत तरीके से छूते थे, उनकी साड़ी का पिन निकालकर यौन उत्पीड़न करते थे। इतना ही नहीं, प्रज्वल उसकी बेटी को फोन करके अश्लील बातें किया करता था। इससे तंग आकर उसने अपना मोबाइल तक बंद कर दिया। पीड़िता ने भी रेवन्ना के घर पर काम करना बंद कर दिया था। रेवन्ना पर हुए इस खुलासे ने और इस आरोप ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। रेवन्ना की ऐसी नीच हरकतों ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत को बदनाम कर दिया, शर्मसार कर दिया है। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।